तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रदर्स कैफे पे। तो दोस्तों, आज ये जो केक का डिज़ाइन हम आप लोगों को दिखाने जाने वाले हैं, ये है डोल केक। जी हाँ दोस्तों, डोल केक बना रहे हैं और ये 3.5 kg का डोल केक बनाया हुआ है हमने। कैसे कैसे इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं, किस तरह से उसका फ्रॉक का डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन कौन से फ्लेवर दिए हुए हैं, सारा हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जो आप देख रहे हो जहाँ पर इस समय हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसके नीचे जो बेस में व्हाइट दिख रहा है वो हमने वनीला कलर में रखा हुआ है, और जो डोल का हमने फ्रॉक टाइप में जो उसका पूरा गाउन दिया हुआ है वो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, इसकी जो गाउन है उसको हम धीरे धीरे करके डिज़ाइन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं वन बाई वन करके। बाद में हम इसको पिंक कलर से हल्का हल्का कलर करेंगे, ताकि जो इसका गाउन है, जो इसकी ड्रेस है, उसका लुक एकदम अच्छा लगे देखने में, और वो ड्रेस के साथ मैच हो। डोल के अकॉर्डिंग डोल जो थीम होता है पिंक कलर का, और जो बर्थडे गर्ल होता है, सॉरी बर्थडे होता है गर्ल का, उसका थीम होता है पिंक जो होता है, या स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं हम उसको। उस कलर के साथ हम इसको मैच करने वाले हैं दोस्तों। तो बड़े आराम से और बारीकी के साथ आपको ड्रॉ करते रहना है इसके गाउन को क्रीम के साथ, वन बाय वन करके लेयर को कंप्लीट करते रहना है दोस्तों। और कोशिश ये रखनी है कि जो दो लेयर्स हैं आपस में, उनके बीच में कम से कम गैप हो, और वो एक दूसरे के ऊपर कवर भी ना करें, ताकि जो उसके गाउन का शेप है वो प्रॉपर आता रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं आपको हमें वीडियो कैसे मिल रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन रहता है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों देखिए, वन बाई वन करके हमने इसके गाउन का जो ड्रॉ है वो कर दिया है, और देखिए किस तरह से हम इसको वन बाई वन करके ड्रॉ कर रहे हैं लेयर्स को। दोस्तों, अगर आपको केक की रेसिपी का फर्स्ट स्टेप से देखना है तो हमने वीडियो ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, आप उसको हमारे नीचे कमेंट में देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, नीचे हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है, और या हमारी आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया है किस तरह से हम उसको लेयर्स देते हैं, कितनी क्रीम रखनी होती है, किस तरह से उसकी फिनिशिंग करते हैं केक की, वो सब हमने वीडियो में कम्प्लीटली बताया हुआ है। और अगर आपने देख चुके हैं तो आप उससे आगे के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, आगे के स्टेप्स को आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से हम डिज़ाइंस को कवर करते हैं हर वीडियो में। अच्छे से अच्छे अपडेट्स लेकर आते हैं दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों हमारे साथ। देखिए, हमने ये लगभग पूरा कवर कर लिया है क्रीम से, और जो इसका गाउन है दोस्तों बड़ा ही अच्छा आने वाला है। लास्ट में जो लुक दिखने वाला है दोस्तों, पूरे पूरे के पूरे केक का हमने क्लिप भी इसमें डाला हुआ है लास्ट में, वो भी जरूर देखिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो पूरा, कैसा लग रहा है आपको। जी हाँ दोस्तों, 3.5 kg का ये डोल केक हमने तैयार किया है, और देखिए बड़ा ही फिलहाल तक तो देखने में थोड़ा हा यूनिक लग रहा है, बट आपको बड़ा प्यारा लगेगा देखने में जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको तैयार करते हैं तो देखने में तो ऐसे ही लगता है, बट जब इसको कम्प्लीटली तैयार करेंगे तब आप इसको करेंगे कि हाँ ये एक अच्छा केक तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसकी कलरिंग कर रहे हैं अब पिंक, जो मैंने आपको बताया था जो बर्थडे गर्ल के लिए एक्चुअली थीम होता है वो हम पिंक ही रखते हैं ज़्यादातर, तो पिंक के साथ हम डोल का कम्बिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्थडे जो है एक गर्ल का बर्थडे है, गर्ल बर्थडे के लिए हम ये केक बना रहे हैं। तो इसका गाउन को देखिए दोस्तों, हम एक एक लेयर पे हम पिंक करेंगे, एक को वाइट ही रहने देंगे दोस्तों। इस तरह का जो कम्बिनेशन बनता है थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, उसका जो ग्रेस आता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है हमें देखने में। और वन बाय वन करके हम इसको फिल करेंगे, एक लेयर को पिंक करेंगे, फिर एक को वाइट छोड़ देंगे, फिर एक को पिंक करेंगे, फिर एक को वाइट छोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे दोस्तों अपने पूरे के पूरे इसको। तो देखते रहिए दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, आपको हमें ज़रूर बताइएगा। बड़े ही आराम से इसको दोस्तों कलर्स को हमें वो करना होता है, ताकि एक दूसरी लेयर ख़राब ना हो, मतलब जिस प्रॉपर सीक्वेंस में हम एक लेयर को कवर कर रहे हैं पिंक कलर के साथ, वो कलर सिर्फ उसी लेयर को ही मतलब कि शाइन करे, उसको ही ग्रेस करे, ऐसा ना हो इरेगुलर हो जाए, ऊपर वाले पे ज़्यादा हो जाए, या जिस लेयर को आप कवर कर रहे हैं पिंक कलर के साथ उस पे हल्का सा कलर कम रह जाए। तो दोस्तों देखते रहिए, कहीं कहीं पर देखिए हमसे भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं दोस्तों, आखिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, और आपसे भी मिस्टेक हो जाए तो घबराना नहीं है दोस्तों, बट आपको कंटिन्यूली प्रोसेस करते रहना है परफेक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वन बाय वन करके कैसा लग रहा है आपको ये। बाद में हम इसके दोस्तों बॉर्डर्स को भी कवर करेंगे येलो क्रीम के साथ, वो भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके लिए हमने एक स्पेशल टूल को यूज़ किया हुआ है उस प्रॉपर डिज़ाइन को कवर करने के लिए, उस बॉर्डर को कवर करने के लिए।
तो लगभग देखिए दोस्तों हमारा केक तैयार हो चुका है। और कैसा लग रहा है केक दोस्तों आपको? डोल केक है ये, तो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिए दोस्तों अभी ये इसका कंप्लीट लुक आ गया है आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।